इज नंबर 114 OCM, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। ये जो फंक्शंस है उसको अपने 15 अलग अलग फंक्शंस अपने यहाँ पे सीखेंगे। तो फर्स्ट वन इज मार्केटिंग रिसर्च। क्या लिखा है ये एमसीक्यू आ सकता है। द फर्स्ट द इनिशियल वर्क इन मार्केटिंग इज मार्केट रिसर्च। फर्स्ट मार्केट रिसर्च सिंपल वर्ड, याद रखो दिस इज द प्रोसेस। दैट मीन्स आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना। पहले अपने रिसर्च करेंगे, उसका मतलब हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यहाँ जो कंज्यूमर्स लिखा है सेकेंड लाइन में, दैट इज विद एपोस्ट्रोफी एस, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिस्क इज हायर इन द प्रेजेंट डेज। अब एक बड़ा सा प्लांट अपने स्टार्ट कर दे और उस प्लांट में प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दे, बट उस चीज की मार्केट में डिमांडेड ना हो, तो वो चीज को प्रोड्यूस करके फायदा क्या है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा रिस्क को बैर ना करने के लिए हमारे पास पहले कंज्यूमर क्या चाहता है उसका नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट कंज्यूमर एक्स अंडरलाइन करो, वेदर द प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय कंज्यूमर्स। ऑन दिस बेसिस फ्यूचर फोरकास्ट, अब यहाँ फ्यूचर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर जजमेंट आता है। तो फोरकास्ट कैन बी डन, वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड प्राइस एंड कॉम्पिटिशन अंडरलाइन करो। फॉर दिस देर आर नंबर ऑफ मेथड्स, जैसे क्वेश्चन एयर मेथड। क्वेश्चन एयर मतलब अपने क्वेश्चन बना के जाएंगे जिसके आंसर्स प्रोबेबली यस और नो के अंदर होंगे या मल्टीपल चॉइसिस के अंदर होंगे। फिर अपने ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा मांगी जाती है। सो दिस इज मार्केटिंग रिसर्च। इन शॉर्ट मार्केटिंग रिसर्च का मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कंज्यूमर क्या चाहता है। सेकेंड वन इज द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इन मेनी केसेस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेस एंड दे नीड टू बी कलेक्टेड सेंट्रली विच इज नोन एज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो है ना वो अलग अलग जगह पे, यानी प्रोड्यूसर्स हमारे स्कैटर्ड है, हमको प्रोडक्ट को एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर लाना है। सम प्रोडक्ट्स जो सीजनली प्रोड्यूस होती है, कुछ स्मॉल स्केल के ऊपर प्रोड्यूस होती है, कुछ में और ज्यादा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। इन सब रीजन से हम कलेक्शन करेंगे और प्रोडक्ट का कलेक्शन हमको जरूरी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि व्हेन प्रोडक्ट्स आर स्कैटर्ड, प्रोड्यूसर्स आर स्कैटर्ड एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो उस वक्त हम उसको यहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। इफ द प्रोडक्ट्स आर येट टू बी प्रोसेस्ड तो उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट यहाँ पे करेंगे ऐसा। अब ये अलग चीज है। थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। जैसे कि आगे बताया मैंने कि सर्टेन प्रोडक्ट्स रिक्वायर नेसेसरी प्रोसेसिंग बिफोर दे आर सोल्ड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको कंज्यूमेबल बनाने के लिए हम उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम दैट वी नीड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स। दीज प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड एट प्लेस वेर रॉ मटेरियल इज, अंडरलाइन करो, जहां पे स्टोर किया जाता है ना वहीं पे अपने उसको प्रोडक्शन करेंगे। बाय मेकिंग प्रोडक्ट कंज्यूमेबल उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो एनहांस हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। कैश शुड बी टेकन टू सी वेदर द प्रोसेसिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। जैसे कि पहले ने अनाज जब आता था ना उसको बहुत सब साफ सफाई करनी पड़ती थी। नाउ अबे ने सॉर्टेड, पहले क्या लिखते हो ऊपर सॉर्टेड ऐसा लिखते हैं, यानी मतलब कि अनाज को अलग किया जाता है, उसमें से जो भी कंकर वगैरह है वो सब अलग कर दिए जाते हैं, और दूसरा जो उसके अंदर जितने भी स्ट्रॉज वगैरह होते हैं वो सब भी उसके अंदर से हटा दिए जाते हैं। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अब फ्रूट्स लेने जाते हैं राइप फ्रूट्स से मिलते हैं अपने को, राइट। तो ये जो चीजें हैं ना वो मतलब क्या बनाती है आपके लिए कि हम कंज्यूमर के लिए यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कंज्यूमर डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर पाए। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। आपको ये ने 1 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ लिखा है देखो कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच इट इज डिटरमाइंड दैट हाउ गुड शुड बी, गुड्स कैसे होने चाहिए, यानी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उसके स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे रिगार्डिंग उसके साइज, कलर, स्मेल, टेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा।
मेनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन टू, जैसे कि अगर आप वेजिटेबल घी बनाते हो तो उसके ऊपर ISI गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा उसका, राइट। कुछ कंपनीज ने अगर मैन्युफैक्चर करती है एग्रीकल्चर गुड्स को, उसको प्रोसेस करके बेचती है, जैसे चिली पाउडर, तो उसमें एग मार्क चाहिए आपको, ये गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर इज डन अलॉन्ग विद ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब अलग अलग क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करके। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अभी आप एप्पल लेने जाते हो मार्केट में, तो बड़े एप्पल अलग कर देते हो, मीडियम साइज अलग और छोटे एप्पल अलग, तीनों की प्राइस अलग, तो ये ग्रेडेशन हो गया। क्वालिटी वाइज उसका ग्रेडेशन कर दिया, तो डिफरेंट क्वालिटी के लिए डिफरेंट प्राइसेस फिक्स की जाती है। अप्रोप्रिएट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर्स ड्यू टू प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। कंज्यूमर्स डेवलप फेथ ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। द ग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज डन, अंडरलाइन करना ये, इन इंडिया बाय मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको अपने BIS बोलते हैं शॉर्ट। ये ब्यूरो जो है ना, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ISI मार्क देता है, तो ISI मार्क कौन इशू करेगा? BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट। और रिमेम्बर ये कि जहां पे भी ISI मार्क होता है ना, कुछ जगह पे कंपल्सरी, जैसे प्रेशर कुकर ISI के बिना बेचा नहीं जा सकता, हेलमेट्स ISI के बिना बेचे नहीं जा सकते, वेजिटेबल ऑयल ISI के बिना बेचे नहीं जा सकता, समझे। तो ISI हर चीज में नहीं होता, लेकिन जिस चीज के अंदर पता है कि जिसमें जान भी जा सकती है, जोखिम जिसके अंदर ज्यादा हो, जो ऐसी चीजों ने जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें आपको प्योरिटी ज्यादा रखनी पड़ती हो, तो वैसी चीजों को अपने क्या बोलते हैं, ISI मार्क उसके अंदर कंपलसरी किया जाता है। अगर आप हेलमेट पहन के निकलते हो बट विदाउट ISI मार्क, यानी रस्ते पे से खरीदा हो गया, तो वो हेलमेट पुलिस वाले अलाउ नहीं करते, फाइन भरना पड़ेगा आपको, राइट। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, नाउ सी लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एट लेबल डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर फ्रॉम डेट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर। लेबल से क्या, अंडरलाइन करो, यूनिक आइडेंटिटी मिलती है प्रोडक्ट को, उसके ऊपर लेबल है, इसकी वजह से पता चलता है कि ये कौन सी ब्रांड की है चीज। कंज्यूमर आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ओनली थ्रू दैट लेबल। कंज्यूमर आज नॉट चीटेड बाय फेक प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ अ लेबल। लेबल से पता चलता है कि जेन्युइनिटी है कि नहीं। आप कोई भी न्यूट्रिशन वाला फूड लेते हो ना, यानी मतलब क्या, जो अपने वे प्रोटीन वगैरह जो आता है ना, उसके ऊपर लेबल के ऊपर साथ में एक कोड भी दिया जाता है, जो स्क्रैच करना होता है आपको, फिर आप वो कोड को अगर डालते हो तो सामने से मैसेज आता है कि इज दिस प्रोडक्ट जेन्युइन और नॉट। एक बार अगर तुमने वो यूज कर लिया कोड, फिर सेकेंड टाइम आप वो कोड भेजते हो तो तुरंत आ जाता है कि इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, यानी आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बराबर ना। लेबलिंग इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑफन प्रोड्यूसर गिव्स अ नेम फॉर द प्रोडक्ट विच इज नोन एज ब्रांड। ब्रांड क्या है? वन मार्क का क्वेश्चन। ब्रांड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल, नंबर, प्रोड्यूसर्स नेम और डिजाइन। ब्रांड नेम अपने लेबल के ऊपर रखते हो, प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर अपने ब्रांड नेम लिखते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स प्राइस डिटरमिनेशन। अ प्रोड्यूसर ऑब्टेन्स वेरियस एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस रिगार्डिंग इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट पैकिंग, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। टू दिस बेसिक कॉस्ट प्रॉफिट कंपोनेंट इज एडेड। उस बेसिक कॉस्ट में अपने क्या दूसरा ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे, जिससे बनेगा अपना सेल प्राइस। तो प्राइस डिटरमिनेशन इंपॉर्टेंट है, पर प्राइस डिटरमिनेशन में सब आ जाता है, प्रोडक्शन का खर्चा, प्रोडक्ट की पैकिंग का खर्चा, उसका इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन करना, एडवर्टाइजमेंट, सब। व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। डिमांड भी, अगर डिमांड ज्यादा होगी ना, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अगर कम है तो प्राइस बढ़ाएंगे हम, इलास्टिसिटी कम हो तो बढ़ाएंगे प्राइस, क्योंकि कम इलास्टिसिटी का मतलब क्या, प्राइस बढ़ाने से भी डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगी नहीं। प्राइस डिटरमिनेशन शुड बी डन बिफोर पैकिंग बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू प्रिंट। प्राइस के बिना आप इंडिया में प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। MRP, MOP दो होती है, MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट, और मैक्सिमम ऑफर प्राइस, MOP, बराबर ना। MOP इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होती है, उससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, लोग कम में बेचते हैं,
आप प्रोडक्ट के ऊपर देखोगे ना तो प्राइस कुछ अलग होगी, आप खरीदोगे कुछ अलग में। सो प्राइस इज नॉट दैट बट विच इज प्रिंटेड, पर जो आप एग्री करते हो ना प्रोड्यूसर के साथ में कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, दैट इज द प्राइस, बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू प्रिंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द पैक। फिर आता है उसके बाद में पैकिंग द प्रोडक्ट, पैकिंग प्रोवाइड इन द लाइन करो प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट एज वेल एज अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टुवार्ड्स द प्रोडक्ट। कल मैं समझा रहा था आपको कि पैकिंग कैसे बनाया गया, पैकिंग मिनिमम होता है जिससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। डायरेक्शन फॉर द यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स रिटन ऑन अ पैकिंग, जैसे मैगी, उसके पैकिंग के ऊपर लिखा जाता है कैसे बनाते हो, राइट। पैकिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ गारमेंट फॉर द प्रोडक्ट, गारमेंट यानी कपड़े उसके लिए। पैकिंग मेक्स द यूज ऑफ प्रोडक्ट ईजियर, यूज आसान बनता है। प्रोडक्ट कैन बी इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू पैकिंग। ये आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पैकिंग। इसमें ये आता है, एक तो प्रोडक्ट का यूज आसान बनता है, दूसरा ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसके फीचर्स प्रिजर्व रहते हैं उसके अंदर, कंज्यूमर को पैकिंग से उसकी प्राइस पता चल जाती है, और हम ये देखते हैं कि पैकिंग में अलग अलग तरह का मटेरियल यूज होता है। कुछ लोग पेपर यूज करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक जार यूज करते हैं, कुछ टिन बॉक्सेस यूज करते हैं, कुछ ग्लास जार यूज करते हैं, एक्सेट्रा। डिपेंड्स कौन सी चीज है उसके ऊपर डिपेंड करा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। इट इज एसेंशियल टू प्लेस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, पर डिमांड एक साथ में नहीं होती, डिमांड स्कैटर्ड भी होती है और डिमांड अलग अलग टाइम पे भी होती है। इट बिकम्स नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन तो अपने फ्यूचर डिमांड के बेसिस के ऊपर करते हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर में जब डिमांड होगी तब अपने को बेचना है, तो तब तक अपने को गुड्स को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। वाई स्टोरिंग इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। स्टोरिंग के टाइम पे क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टोरेज मेक्स मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट इजियर, स्टोरेज से क्या होगा, प्रोडक्ट का मूवमेंट अपने लिए आसान बनेगा, क्योंकि हमें ना अलग अलग जगह पे उसको स्टोर करके रखते हैं। अपने को लगता है कि अगर समझो महाराष्ट्र में डिमांड है तो एक गोडाउन महाराष्ट्र में होगा कि तुरंत ही वहां से निकल जाए, राइट। प्रोडक्ट फिर आता है उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सर्विस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर यूज्ड टू इंश्योर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टू एनेबल फिनिश प्रोडक्ट टू रीच द कंज्यूमर। द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टेक प्लेस थ्रू रोडवेज। अब मूवमेंट कैसे होता है, तो रोडवेज रस्ते से जाएंगे अपने, वाटरवेज एंड एयरवेज कोई भी तरह से। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट करेगी कार्स कंटेनर्स में, कंटेनर्स में ट्रांसफर करेगी ना। दूसरी बात कि हम देखते हैं कि बड़े कंटेनर्स में कार जाती है, ओपन नहीं रखते उसको, स्क्रैचेस हो जाएंगे मिट्टी लगने से, धूल मिट्टी के कारण, तो उसको क्लोज कंटेनर में लाया जाता है। बाइक भी अपने देखते हैं कैसे उतारते वो लोग, और एक कंटेनर कितना बड़ा होता है। और याद रखो ये प्रोडक्शन प्लांट है ना, कभी भी हाईवे से दूर नहीं रखेंगे, सिटी में कभी नहीं होगा, सिटी में आएगा जरूर। फिर क्या होगा, एक मेन गोडाउन होगा, जैसे ये एप्पल होंडा है वो बड़ी गाड़ियां मंगा दे कभी कभी, और छोटी गाड़ी को है ना छोटी गाड़ी के अंदर उसको ट्रांसफर करेगा, फिर अगली जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, बराबर ना। सो ट्रांसपोर्टेशन में अपने देखते हैं कि कई बार है ना ट्रांसपोर्टेशन, बताओ। बताओ। अच्छा देखो, ट्रांसपोर्टेशन में अपने देखते हैं कि रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज एंड एयरवेज से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार्स कंटेनर में, जैसे मैं बता रहा था कि अपने देखते हैं कई बार ये सब चीजें जो है ना वो कंटेनर में जाती है, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस ना पड़े, धूल मिट्टी से बचाने के लिए, और उसको पैक भी ऐसे ही किया जाता है। अब बाइक को कैसे खोखे में थोड़ा आएगा, पर उसके ऊपर है ना अपने देखते हैं थर्मोकोल या तो ऐसी कोई चीज उसके ऊपर लगा दी जाती है, खास करके जहाँ कलर डैमेज हो सकता है ना वैसी जगह पे। देन कम्स टेक द इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इन प्रेजेंट टाइम्स नंबर ऑफ रिस्क अराइज वाइल स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स लाइक थेफ्ट, फायर, डिकॉय, लॉस ड्यू टू रायट, सिंकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वाटर। प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंश्योर अगेंस्ट सच रिस्क। मॉडर्न प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, रायट इंश्योरेंस, बहुत तरह के इंश्योरेंस लिए जाते हैं।
इसमें सबसे पहला कौन सा अपने देखते हैं, यहाँ फायर इंश्योरेंस लिखा। फायर इंश्योरेंस बहुत कॉमन है, लेकिन कौन सी जगह पे? इनफ्लेमेबल चीजें हो ना वहां पे, जो इनफ्लेमेबल हो ही ना, तो वहां पे अपने फायर इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। याद रखो जितना रिस्क ज्यादा है उतना प्रीमियम भी ज्यादा लेते हैं ये लोग। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस यानी जगह का इंश्योरेंस होता है, देन आफ्टर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, जब गुड्स भेजे जाते हैं वहां से यहाँ, खास करके ये जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं गुड्स को, तो उस वक्त अपने एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लेते हैं। मरीन इंश्योरेंस एंड राइड इंश्योरेंस। राइड इंश्योरेंस कब? जब डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा हो किसी एरिया के अंदर, कम्युनल हारमोनी ना हो, वैसे एरियाज के अंदर लिए जाते हैं। फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल हैज टू बी अरेंज्ड टू सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स। वेल प्लान्ड फाइनेंशियल अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन ऑन हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर विच मार्केटिंग एक्टिविटी एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। फॉर सर्टेन सीजनल प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट आर रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर सीजन ओनली, एंड सो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैन बी डन वेल इन एडवांस। मार्केटिंग मैनेजर्स मेन ड्यूटीज आर टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एंड ऑर्गेनाइज एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा एंड सिंक्रनाइज ऑल दीज एक्टिविटीज। नाउ सी, फाइनेंशियल अरेंजमेंट यानी मतलब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, किस मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए। सी, हियर वी रिक्वायर फाइनेंस फॉर मार्केटिंग ओनली, राइट, नॉट फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज अनदर टॉपिक, उसको अपने अलग से देखना है, बट वी रिक्वायर फाइनेंस फॉर मार्केटिंग ओनली। कई बार सीजनल प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट उसी सीजन के अंदर अपने को करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी अपने को पहले से फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। ठंडी के 1 महीने से पहले कोल्ड क्रीम की और बेसिन की एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाएगी, तो 1 महीने तक सेल्स कम होता है, फिर ठंडी की सीजन जब पीक लेती है तब वो सेल्स बढ़ जाता है। पर 1 महीने से पहले अपने कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं कि वी आर हियर इन द मार्केट। ओके, सिंस मार्केटिंग मैनेजर की मेन ड्यूटी क्या है कि फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए राइट टाइम के ऊपर, और हम फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन को ऐसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसे और ब्रांडिंग ऐसे किया जाएगा जिससे ये सब एक्टिविटीज को एक साथ में मिला के हम प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने में हेल्पफुल हो जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। आपके पास पैसा ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप। आपके पास अगर एक्सपेक्टेड डिमांड के फिगर्स ना हो कि कब डिमांड होने वाली है, तो आप उस टाइम पे भी नहीं कर सकते ये। द प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रैटेजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड द एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया। याद रखो अपने जब भी ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, तो किस पे ध्यान देंगे, अंडरलाइन करो, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट कंपिटिटर्स की कैसी है। तीसरा, मीडिया कितना इफेक्टिव, जिस जरिए से अपने, जैसे रेडियो से कर रहे हैं, घर की एडवर्टाइजमेंट रेडियो पे आती बराबर, घर की एडवर्टाइजमेंट सब अजीब वही आती है, कंस्ट्रक्शन के जितने भी साइट से सबके एडवर्टाइजमेंट, कोई दूसरी जगह नहीं, रेडियो पे। कम्यूटर्स जो होते हैं ना रोज जाने वाले, कार में सुनते हैं रेडियो, घर में कौन सुनता होगा, बहुत कम, रेगुलर बेस के ऊपर घर में कोई नहीं सुनता, कार में जाने आने वाले सुनते हैं। अब कार में जाने आने वाले नहीं, एलाइट कस्टमर, तो उनके लिए ना मोर फैसिलिटीज वाले जो भी है ना मकान, उसके एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो हम ये देखते हैं उसके अंदर कि डिमांड क्रिएट करनी है, लेकिन उस जगह पे ना कि इफेक्टिवनेस है कि नहीं वो जगह। एंड दिस इज द रीजन वाई आफ्टर एडवर्टाइजिंग द डिमांड ऑफ सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। याद रखो मोस्ट केसेस के अंदर लोकल एडवर्टाइजमेंट कंपेन सबसे ज्यादा, हम यहाँ रहते हैं बड़ौदा के अंदर, अपने सूरत के किसी साइट की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट की। उसके पीछे का कारण कि सूरत जाके कौन खरीदने वाला है, खरीदने वाला भी हो तो भी कितने होंगे, 1 लाख में से एक जन होगा जो सूरत में शिफ्ट होने वाला हो, बराबर ना। नाउ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट इज एसेंशियल दैट प्रोडक्ट्स मस्ट रीच द कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स प्लेस स्पीडिली एंड इकोनॉमिकली, फॉर विच अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इज नेसेसरी। इन मोस्ट केसेस प्रोड्यूसर अरेंज दिस थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी फॉर एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट और अ स्टेट एंड रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द स्टेट सेल्स। हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करो, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ दिस प्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड। किस तरह से प्रोडक्ट है वो, जैसे कि देखो अगर डिमांड प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हो ना, कंटिन्यूस हो, तो अपने मेथड एक साथ में बहुत सारी साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे, एक साथ में बहुत सारे मेथड। इन द डिस्ट्रीब्यूशन से इट इज नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट्स मस्ट रीच द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स ऑन टाइम। इन सम केसेस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट
एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां प्रोड्यूस होता है वहीं भी अपने भेज देते हैं प्रोडक्ट्स को, ये अपने देखते हैं कई बार। देन कम सेलिंग। सेलिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन विच द प्रोडक्ट इज हैंडेड ओवर टू द कंज्यूमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। द रोल ऑफ मिडल मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलिंग फंक्शन। मिडल मैन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। मोर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर कैन जनरेट मोर सेल्स। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा एग्रेशन में होगा, एग्रेसिवली काम करेगा, तो क्या करेगा, वो सेल्स को ज्यादा बढ़ा पाएगा। वेरी ऑफन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। पर्सनल सेलिंग ये सबसे इफेक्टिव वे हो। किसी को मुंह पे ना बोल देना थोड़ा अजीब लगता, फोन पे ना बोल दे मेरे को नहीं चाहिए प्रोडक्ट, बराबर नहीं। पर अगर कोई सामने आएगा बेचने के लिए तो अपने कम से कम देखेंगे तो सही, फिर शायद सोच सके। तो पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव है, लेकिन हर प्रोडक्ट के लिए नहीं। इसीलिए जो वाटर प्यूरिफायर और वैक्यूम क्लीनर वाले लोग, वो घर पे आके आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, बराबर नहीं, जरूरी है। देन कम सेलिंग। सेलिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन विच द प्रोडक्ट इज, अंडरलाइन करो, हैंडेड ओवर टू कंज्यूमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। इसमें मिडल मैन बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बोला सेलिंग में कि पर्सनल सेलिंग है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आफ्टर सेल्स है। आफ्टर सेल्स यानी क्या, मार्केटिंग डज नॉट एंड विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट इंक्लूड्स टू अ गेट टू गेट अ परमानेंट एंड, अंडरलाइन करो, इट इंक्लूड्स टू गेट अ परमानेंट एंड हैप्पी कस्टमर्स। फिर लिखा है कंप्लेन कस्टमर की सुननी पड़ती है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड रिपेयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को रिपेयर भी कराना है, राइट। रिपेयर कराने के टाइम पे आपको सामने वाला जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन इज टू बी डन एट द रेसिडेंस ऑफ कस्टमर्स। अपने देख, मैंने अभी आगे बताया। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक एयर कंडीशनर, टेलीविजन, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, टेक्निकल नॉलेज जरूरी है, तो हम साइट पे विजिट कराते टेक्नीशियन का, वो आपको समझा के जाएगा। रेफ्रिजरेटर लेते हो तो आते आके समझा के जाएगा क्या इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसमें किस तरह से कूलिंग होता है, ये सारी बातें। एंड अरेंजमेंट फॉर आफ्टर सेल्स सर्विसेज टू बी डन फॉर विच अ नेटवर्क इज शुड बी क्रिएटेड, यानी इसके लिए अपने अलग नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अरेंजमेंट आफ्टर सेल्स सर्विस का जरूरी है हमारे लिए। तो ये हुआ तुम्हारा, ये प्रोसेस कंप्लीट। अभी खाली डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं, देन वी एंड डे। सी नाउ, मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में क्या फर्क है। मार्केटिंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, यानी पहले कंज्यूमर की नीड्स को पहचानो, फिर अपने प्रॉफिट क्रिएट करेंगे और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी साथ में चाहिए। जबकि सेलिंग का मतलब क्या, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी, उसको अपने सेलिंग बोलेंगे। अब स्कोप क्या है, तो मार्केटिंग का स्कोप वाइडर है, क्योंकि उसमें सबसे पहले आप कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझते हो, उस रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर नई प्रोडक्ट्स डेवलप करते हो, उसकी प्राइस डिसाइड करोगे, और बेचने के बाद भी इवन आफ्टर दैट आप आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करोगे। जबकि सेल्स यानी क्या, खाली ओनरशिप ट्रांसफर किया, देन वर्क इज ओवर, काम खत्म। इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है, मार्केटिंग में अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जबकि इसमें खाली प्रॉफिट अर्न करना बाय सेलिंग द प्रोडक्शन सर्विसेज। पार्टीज, इसमें सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट है और मिडल मैन है सेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। कंज्यूमर आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द मार्केट। कंज्यूमर भी है इसमें, यानी पहले तो सप्लायर्स, मिडल मैन और कंज्यूमर, तीन चीजें आती है, जबकि यहाँ पे बायर और सेलर जो होता है। बिगिनिंग एंड एंड, मार्केटिंग प्रोसेस बिगिंस विथ मार्केट रिसर्च। शुरुआत कहाँ से की हमने, मार्केट रिसर्च है, और खत्म कब हुआ, 15, यानी आफ्टर सेल्स सर्विस के ऊपर वो खत्म हुआ। सेल्स की बात करें तो सेल्स स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर। सेल्स कहाँ से शुरू होता है, खाली प्रोडक्शन से, और बस एक बार तुमने बेच दिया, बात खत्म। नीड फॉर कैपिटल, हर जगह पे प्रोडक्ट को स्टोर करने में, ग्रेडेशन में, पैकिंग में, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये सब के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सेलिंग के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स आर मेड कि हमने ऐसी प्रोडक्ट बनाए कि जो कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करे, और उस प्रोडक्ट को हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे भी। जबकि मार्केटिंग, सॉरी, सेलिंग के अंदर क्या होता है, मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग कंज्यूमर्स कि भाई तुम ये प्रोडक्ट जो भी है ना, हमने जो बनाई वही एक्सेप्ट करो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट व्हाट यू रिक्वायर, हम इंटरेस्टेड इसमें जो कि हमने जो बनाया है वो तुम खरीद लो बस।
दैट्स इट। तो ये हुआ तुम्हारे लिए डिफरेंस बिटवीन, ओके अप टू हियर।